हेलो गाइस, दिस इज मी जोसेफ चौहान एंड वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। सो गाइस, आज के वीडियो में मैं सिखाने वाला हूँ बैकफ्लिप कैसे करते हैं। सो कि मतलब बैकफ्लिप में सपोर्ट कैसे करते हैं और बैकफ्लिप कहाँ पे करते हैं, ठीक है। तो मेरे साथ में है ओम। सो गाइस, अगर आप लोगों को बैकफ्लिप सीखना है तो आप पहले एक सेफ जगह चाहिए, जाकि आपके पास गड्ढे हो, नहीं तो रेती हो, नहीं तो कोई ऐसी गार्डन वगैरह हो जहाँ पे आपकी सेफ्टी हो सके, मतलब गिरे तो आपको लगे ना, ठीक है। तो सो गाइस, वीडियो को एंड तक जरूर देखना और चैनल पे नए होंगे प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और मैं ऐसे फ्लिप्स की वीडियो लाते रहता हूँ। अगर आपको किसी और फ्लिप्स का ट्यूटोरियल वीडियो होना तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, ठीक है। तो वीडियो को करते हैं स्टार्ट। लेट गेट स्टार्टेड। गाइस, फर्स्ट स्टेप बैक रोल। सो गाइस, सेकंड स्टेप में आपको आर्च बनाना है, ब्रिज, ठीक है। सो गाइस, थर्ड स्टेप में आपको टक जंप करना है। बैकफ्लिप के लिए सबसे मेन जरूरत है, टक जंप नहीं करोगे तो टक जंप के बिना आपकी बैकफ्लिप अच्छी नहीं लगेगी, ठीक है। तो इसलिए मेन जम है तक जम, ठीक है। सो गाइस, फोर्थ स्टेप में आपको करना है, जो कि बहुत ज़्यादा जरूरी है। अगर आप वो नहीं करते हो तो उसके बिना बैकफ्लिप पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो उसके लिए सबसे पहले आपको यहाँ तक स्ट्रेट करना है, देन यहाँ से फिफ्थ स्टेप में आपको क्या करना है, जो मैंने आपको ये बताया था, इसमें क्या करना है आपको टक पकड़ना है, ठीक है, और बैकवर्ड फेंकना हल्का सा, ठीक है। तो और उसमें क्या करना है आपको सपोर्ट लेने की कोशिश करना है, जैसे कि मैं इसको अभी सपोर्ट दूंगा आपका। अगर कोई फ्रेंड होगा तो आप उसका सपोर्ट लीजिए, नहीं तो आप रेती के ऊपर ट्राई कर सकते हो, ठीक है। जैसे कि ये है, अभी मैं इसको सपोर्ट दूंगा। सो गाइज, आपने फिफ्थ स्टेप देखा, फिफ्थ में आपने हाथ ऊपर ऐसे लेके ये फेंका, और उसकी जो प्रैक्टिस है आप 20 से 25 बार प्रैक्टिस कीजिए, ताकि आपको थोड़ा सा डर निकल जाए, ठीक है। डर निकलने के बाद आप क्या कर सकते हो, बैकफ्लिप आसानी से कर सकते हो, ठीक है। तो इसकी प्रैक्टिस जरूर कीजिए। सो गाइज, ये है सिक्स स्टेप में क्या करना है, मैंने जो अभी फिफ्थ स्टेप बताया, सिक्स स्टेप में बस वही करना है। इसमें टक पकड़ना है और हाथों का फोर्स लगाना है, ठीक है। और आपके पास जो भी आपका बंदा होगा सपोर्ट देने के लिए, ठीक है, उसका सपोर्ट जरूर लीजिए इसमें, ताकि फुल सपोर्ट लगेगा, ठीक है। अभी देखिए, मैं इसको बंदे को फुल सपोर्ट दूंगा, ठीक है। सो गाइस, ये जो सिक्स स्टेप आपको कम से कम आपको 2 से 3 दिन करना है। अगर आप 2 से 3 दिन करते हो तो आपको ज़्यादा आपका जो मन का डर है डर निकल जाएगा, और डर निकलने के बाद आप जो है बैटरी पर आसानी से कर पाओगे, खुद से कर पाओगे, ठीक है। तो अब देखिए लास्ट स्टेप है, लास्ट स्टेप में बस हल्का सा सपोर्ट दूंगा और बंदा फ्लिप करेगा, ठीक है। सो गाइज, फाइनली लास्ट स्टेप है बैकफ्लिप की, और जब अगर आप बिना सपोर्ट के कर रहे हो तो साइड में एक बंदा खड़ा कीजिए, ताकि आपको डर ना लगे, अगर मैं गिर जाऊँ तो कोई बंदा पकड़ने के लिए रहना चाहिए। तो अभी देखिए, मैं बस साइड में खड़ा रहूँगा और आगे में बंदा रहेगा, गिरता है तो मैं सपोर्ट दूंगा, ठीक है। सो गाइज, देखा आपने जस्ट अभी कि बंदे ने अभी बैकफ्लिप किया खुद से, तो आप भी ऐसे घर पे ट्राई कीजिए, ठीक है। और किसी और फ्लिप का वीडियो ट्यूटोरियल वीडियो होना तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही, बाय बाय।